कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के निर्देश पर संविधान बचाने को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वह अब खतरे में है। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने आम आदमी को कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 25 तारीख को घरों से बाहर निकलकर हाथ के निशान पर वोट डालने के लिए जाएं। सबका आशीर्वाद सतपाल ब्रह्मचारी के साथ है, सबकी शुभकामनाएं साथ है। आपने देख लिया विधायक जी मेयर साहब सारी कांग्रेस सब वोट की अपील करते हैं आपको सामने जनता का आशीर्वाद सतपाल ब्रह्मचारी। क्या मुख्य मुद्दे हैं आपकी बार जनता के? विकास के मुद्दे हैं। राजीव राहुल गांधी जी ने 5 न्याय यात्रा आपने देख लिया होगा हमारा मैनिफेस्टो गांधी जी दिखेंगे 5 न्याय पत्र है उसमें है 5ों को लागू करेंगे। आप लगातार बीजेपी कह रही है हम 10 की 10 जीत रहे हैं, वो तो 400 पार भी कह रहे थे 10 की 10 हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। सर लगातार बीजेपी कह रही है कि 10 की सीट जीत रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी कांग्रेस के पास? मतदाता गांव में घुसने नहीं दे रहे, मेरी अपील है गांव में तो जाने दें लेकिन लोकसभा में ना जाने दें उन लोगों को, उनकी हालत खराब है। आप किसी को भी देख सकते हैं, हिसार में देखिए परिवार ही लड़ रहे हैं, आप सिरसा में देखिए वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है, सोनीपत में ये है कि भाई मैं तो हाथ जोड़ के चलने वाला आदमी हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कोई भाई जाने का अधिकार सबको है गाँव में लेकिन लोकसभा नहीं भेजेंगे ये तय है। सर ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।